सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैपी सच नानक खुशी पी सच जे भुली जे चुकी साई पी तखें जी कांडिया जिन्ना ने हो दुजाने लगा चूर मरहो से वांडिया हाँ ना छोड़ो कंत पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा एहो मखंजा आसरा सजन तू है सैन तू मैं तुझ ऊपर बहु मानिया जा तू अंदर ता सुखे तू निमानी मानिया जे तू तुठा कृपा निधान ना दू जावे खाल एका पाई मुंदा तड़ी नित हृदय रखा समाल विण तुद होर जे मंगना सिर दुखां कै दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठै पावा सास सास नानक आराधे आहट बहर गुण गावा विसर नाही दातार अपना नाम देह गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत चाल बिखै बिख खाय माया मोह परम पै पुले सुत दारा स्यों प्रीत लगाय एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की
गुर रामदास राखो शरणाय, सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाए, होवे सिवत खसम दी नूर अरसों कुरसाहो छटियै, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै, तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटियै, सतनाम तन वाखे गुरु साहिब जियो, ढूंढत डोल है अंध गत अर चीनत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है, बिन भगत हौ भगवंत, ढूंढत डोल है अंध गत अर चीनत नाही संत, कह नामा क्यों पाई है, बिन भगत हौ भगवंत, हर सो हीरा छाड़ के करहें आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख रविदास, हर सो हीरा छाड़ के करहें आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख रविदास। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतह। जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान गुरु सवारे सत संगी जनों, आप जी ने हुणे ही अमृत बचना दा कीर्तन गुरु सवारियां पासों प्रेम भावना दे नाल श्रवण कीता है। अज भगत कबीर साहब जी दे दो श्लोकां दा पाठ आप जी ने श्रवण कीता है।
ये दो श्लोक ने श्लोक नंबर 241 और 242 आओ यतन करांगे कि जे दोनों दी विचार हो सके पर नहीं एक शब्द आपां एक श्लोक जो 241 नंबर है इस दी विचार गुरु कृपा नाल आपां करांगे। ये दो श्लोक पढ़ के कई बार इंज भासदा है कि जिमें ये दोनों श्लोक एक भगत नामदेव जी का उचारण किया होवे ते दूजा भगत रविदास जी का उचारण किया है। दरअसल कुछ विद्वाना ने यह शब्द कहे ने कि एक श्लोक नामदेव जी का ते दूसरा रविदास जी का है। जदो आपां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ने हैं ते सतगुरु जी दे अमृत बचना विच कई वरी भगतां ने दूसरे भगतां दे नामां दा जिक्र कीता है, इस करके भी जेड़ी गल असी कह रहे हैं इहदी प्रोड़ता वास्ते तुसी दूजे भगतां तो भी पुछ सकदे हो। आओ ये पहला श्लोक भगत नामदेव जी राही कबीर साहब जी दा है। कबीर साहब जी कह रहे ने कि नामदेव नू पुछो, नामदेव जी कह रहे ने कि उन्हां नू पुछ के देखो कबीर साहब दे बचन ने कि लोग अन्यां दी तरह टक्करां मारदे पए ने, ढूंढदे पए ने, पर प्रभु दे प्यारे जिहड़े संत जाने उन्हां दी पहचान नहीं। ते साहब कहिंदे ने कदी भी भगवंत नू भगतां दी संगत तो बिना नहीं पाया जा सकदा। साहब ने कहा कह नामा क्यों पाईऐ, कबीर साहब कहिंदे ने नामदेव भी कह रहे ने क्यों पाईऐ, किवें मिलेगा बिन भगतों भगवंत, उस भगवंत नू पाणा ते भगतां दी संगत तो बिना भगवंत दी प्राप्ति किवें। आओ इन्हां अमृत बचना नू गुरु कृपा दे नाल आपां विचारना है। आप समूह माई भाई जितने भी कृपालू सतगुरु जी दी चरण शरण विच इकत्र होयो, करो कृपा साध संगत जी अपने अंदर नू इकागर करन दा टिकाण दा यतन करिए। आप बख्शो आसीस और उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो कृपालता फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बचना ते आधारित अनेकां शब्द भगतां दे ऐसे सानू पढ़न नूं मिलणगे कि जिन्हां विच भगत अपनी गल नूं स्पष्ट करन दे लई दूसरे भगतां दे हवाले भी देणगे। मैं दो तीन प्रमाण इस संबंधी अर्ज करके अगे चलना चाहना। देखो असी भगत कबीर साहब जी का एक अमृत बचन पढ़ने, उहदे विच बेनती उन्होंने अपने वालों परमात्मा के चरणों विच कीती है। ते जिथे अपने अंदर की वेदना मैं इस करके पहला अर्ज करनी चाहना कि नामदेव ते रविदास ये दो श्लोकों विच नाम क्यों अंकित किए गए। हुण शब्द दे भगत कबीर जी का ते उदाहरण देंदे पए ने उस शब्द विच नामदेव दी, जयदेव दी, सुदामे दी। हुण कबीर साहब जिहड़ी अपने अंदर दी अरदास प्रभु दे चरणां विच करदे पए ने
ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਰ ਮਨ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਿਵਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਦਰ ਮਨ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧਨੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੇ ਲੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਲਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਿਆਗਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਮ ਧਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਰਵਨਨ ਸੁਨੀਅਤ ਜਸ ਤੁਮਾਰ ਮਾਂਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮਾਂਗੂ ਕਾਹੇ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਦੋ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਹੈ ਅਪਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰ ਰਲਾਏ ਲਿਖਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਲੋਕ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਸੋਚਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਚੱਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ ਜਾਂ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੈ ਨੀਚੈ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਬੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਕਰੇ
हुण सदना जी दी बाणी है, तरलोचन जी दी बाणी है, असी पढ़ रहे हां, नाम देव कबीर तरलोचन सदना सैन तरह कह रविदास सुनो रेशम तो हर जियो ते सब सर। उन्होंने अपनी रचना विच कबीर नाम देव ते तरलोचन सदना ते सैन का जिक्र किया। हुण उस तो अगे तीसरा परमा हजूर गुरु रामदास जी दे तुसी बाणी पढ़दे गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचना विच गुरु रामदास कृपालू दा बचन है कि नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। शब्द साहिब गुरु रामदास जी दे पूछो बिदर दासी सुतै किशन उतरिया घर जिस आए। हुण असी कहांगे बिदर तां बहुत पुराना भगत ते पुरातन है। उस तो अगलिया जेड़े दो परमान ने वह उन्हां भगतां दा जिक्र है जिन्हां दी अमृत बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है। साहिब ने दूजा प्रमाण दिता रविदास चमार उस्तत करै हर कीरत निमख एक गाए पतत जात उत्तम भया चार वर्ण पए पग आए। शब्द गुरु रामदास जी दे ते कहिंदे ने भाई रविदास नूं देखो कि उहनूं जिन्हों लोग पतत जात दा कहिंदे सन सब तो उत्तम हो गया ते चार वर्णा दे लोग उहदे चरणा विच आ डिगे। हुण अगला उन्होंने नाम जिहड़ा लिया उह वे नामदेव जी दा कहन लगे नामदेव प्रीत लगी हर सेती लोक छीपा दिया। मेरे तुसी समझदे पए हो कि इह जिहड़े सलोक ने इह कबीर जी दे ने। नामदेव ते रविदास जी दा उहदा नामां दा जिक्र कीता है। जे असी कबीर जी दी बाणी विच जैदेव नामा बिप सुदामा तिनको किरपा पई है अपार, जे रविदास जी कहन लगे नाम देव कबीर तरलोचन सदना सैन तरह गुरु रामदास कह रहे ने कि रविदास चमार उस्तत करे, दूजे पासे नामदेव जी दा शब्द वरते है कि नाम देव प्रीत लगी खर सेती लोक छीपा कहे बुलाए। इस तो अगे तीसरा प्रमाण चौथा अर्ज करना चाहन आप अमृत बचन पढ़ दे रोजाना गुरु रामदास जी दे। एक संत अखीरली पौड़ी नाल लाया जांदा है ते उहदे विच उहनां ने जे प्रहलाद दा जिक्र कीता है ते नाल नाम देव दी भी जिक्र कीता है। पढ़ने हर जुग जुग भगतु पाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदका पिट दे नाम देव मुख लाया। हजूर कृपालू जी गुरु अमरदास जी नूं पढ़ो ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਾ ਚੀਂਬਾ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤ ਪਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੈ ਖਉਮੈ ਜਾਤ ਗਵਾਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੂਜੇ ਭਗਤ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ अपनी रचना विच उस भगत का वेरवा जरूर देंदा है कि देखो भाई उन्होंने कृपा हो गई। अखीर ते मैं एक प्रमाण कह के इस शलोक के सिद्धांत वाले पासे तुरना चाहना। देखो असी भगत धन्ना जी संबंधी पढ़ने धन गुरु अर्जुन साहब सचे पातशाह जी ने भगत धन्ना जी दे राग आसा विच दो शब्द असी पढ़ने पर उन्हां दो शब्दों के दरमियान बिल्कुल विचकार एक शब्द है वह धन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह का है। पहला शब्द है कि परमत फिरत पौ जन्म बिलाने उस शब्द दियां अखीर दियां तुकाने के तन्ने तन पाया धरनी तर मिल जन संत समाने। हुण जदों भगत धन्ना जी का यह शब्द संपूर्ण हुंदा है ते अगे हुंदा है महला पंजवां गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना। देखो इनू सिर्फ इना कुछ समझने वास्ते कि सच्चे पातशाह जी ने बाणी विच आप बाणी उचारण करके सानू बाणी राही व्याख्या समझा दिती भाई ये शब्द क्यों दर्ज किया। हुण पहला शब्द उत्ते बाणी लिखिया धन्ना जी दी पहला शब्द धन्ना जी दा विचकार वाला शब्द धन गुरु अर्जुन देव जी दा ते उस तो अगे फिर शब्द धन्ना जी दा। हुण विचकार धन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह जी ने अपने अमृत बचन नूं क्यों दर्ज कीता महला पंजवां
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਧੰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਨੌਤ ਬਣੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ मेरे धन गुरु अर्जुन देव सचे पातशाह जी ने जेड़ा भगत धन्ना जी ने यह बचन कहे कि धन्ना धन पाया धरनी तर एदा अर्थ है कि धरती दे मालक परमेश्वर नू धन्ने ने पा लिया पर किवें पाया मिल जन संत समानिया प्यारे प्रभु जी दे संत जना दी संगत करके संता महापुरशा भगतां दे जीवन नू पढ़ के ते उस भगत धन्ने ने भी प्रभु नू पाया ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਟੁਕੇਗਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਉਂਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮਿਲ ਜਨ ਸੰਤ ਸਮਾਨਿਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ ਬੁੰਨਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ नीच कुला जोला रो पयो गुनी गहीरा रविदास तवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गिणिया ए बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा हुण असी गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द ते भरोसा करना है ना जिन्हों गुरु ग्रंथ साहिब नू मत्था टेक के कह दिता भाई कि गुरु ग्रंथ साहिब नू गुरु मन्यो हुण इत्थे गुरु अर्जुन देव जी कहिंदे इन्हां भगतां बारे सुनिया इहदा मतलब कि उस वेले भगत एक दूजे दे जीवन तो एक दूजे दे बचना तो जाणू ने इह बिद सुन के जाट रो उठ भगती लागा कहन लगे मिले प्रतख गुसाइयां धन्ना वडभागा भगत धन्ना जी ने इहो जे संत जना बारे सुनिया उहनां दी संगत कीती ते उना दे राही उनु प्यारे दी प्राप्ति होई साहिब किरपालू जी दे अमृत बचना वल आपा आईए मैं इस करके अर्ज कीती है कि ए जितने भी शब्द ने जे रविदास जी ने दूजे भगतां दा जिक्र अपनी बाणी विच कीता है साहिब कबीर जी ने कीता है ते अज जो बचन कबीर साहिब ने कहे ने ओ कह रहे ने नाम देव जी भी मेरी तरह कह रहे ने कि भगवंत दी प्राप्ति भगतां दी संगत तो बिना नहीं इस शब्द दी सलोक दे सिद्धांतक पक्ष वल आपां आईए भगत कबीर जी ने कह लोक ढूंढदे पए ने रब दे प्यारियां नूं कोई जानदा नहीं ढूंढदे की ने खनेरे विच टकरां पै मारदे ने कोई तीर्थ इशनानी बन गया है कोई केवल खोमे दा दानी बन गया है कोई केवल पत्थर दी पूजा विच पै गया कई कर्म कांडी बन के रह गए कई पखंडियां दी गल विच आ के उन्हां पिछे तुर पए कहिंदे ने कोई टावा टावा जिहड़ा रब दे प्यारे संत जना नूं पहचानदा है चीनत ना अर चीनत ना ही संत लोक उन्हां नूं पहचानदे नहीं साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दे अमृत बचना विच असीं देखने हां कि संसार दे लोक हनेरे विच टकरां पै मारदे ने रब दे प्यारे संत जना वाले पासे कोई तुरदा नहीं भगत कबीर साहब दे कल जो भाई साहब होना ने अमृत बचना की व्याख्या की सी ते उस वेले यह सलोक किया सी के कबीर जो तो साध पिरम की जे तेरे मन विच यह शरदा है कि प्यारे नू पान दी ते नाल बचन सी पाके सेती खेल जेडे रब की बंदगी विच ओत पोत संत जाने उन्हां पक्कियां दे नाल आत्म खेड खेड ते जे तू किसे कच्चा तेनू मिल गया कहन लगे काची सरसों पेल कै ना खाल पई ना तेल हुण कच्ची सरसों
जेड़ी सरों अजे पक्की नहीं सुकाई नहीं उस कच्ची सरों नू काट के कु चाड़ के यतन करे मैं कोलू विच काणी विच पीड़ के तेल कढ़ लांगा। कच्ची सरों नू जे कोई पीलन दा जतन करे ना उहदे विचो तेल निकलदा ते ना खल निकलदी। जेड़े कच्चे इंसान ने जे उहनां दे नेड़े टिकांगे ते उहनां दी अवस्था इही बणेगी जिवें कच्ची सरों नू पेलण तों बाद भी उहदे विचो खल ते तेल नहीं निकलदा। खैर साहिब किरपालू जी ने अमृत बाणी विच कहा कि कच्ची चीज हुण जिहड़ा आप कच्चा है आप माया दी गिरफ्त विच है कि ऐसा गुरु जिग्यासु दा पार उतारा कर सकेगा। उहदे कोल समर्था है कि जिग्यासु नू उस प्यारे प्रभु दे चरणा भी जोड़ सके। साहिब धन गुरु ग्रंथ साहिब ने अमृत बाणी विच कृपा कीती कहिंदे ने जिहदा अपना मालक जिहदा मालक आप मंग के खांदा होवे ते कदी आस करांगे भी उहदा नौकर किते रज के रोटी खा लेगा। उह जिहदा मालक भुखा होवे उहदे नौकर नू किते रजवी रोटी मिलनी है। ते साहिब कहिंदे ने जे मालक दे घर विच होवे ते सेवक नू मिलदी है ते जिहदा आगू जिहदा मुरशद आप ही अंदरों तृष्णा दी भुख दा मारिया पिया है ते कदी अपने चेले नू संतुष्टता नहीं दे सकदा। सतगुरु ने अमृत बचन कहे कहन लगे साहिब जिस दा नंगा भुखा होवे। साहिब दा अर्थ मालक के चिंत नाही अंध अंधे मनुख जेड़े ने उह समझदे नहीं पए पड़चोलदे नहीं पए। जे कोई कच्चे पिछे भुखे पिछे तुरेगा उहदी तृप्ति किते। साहिब जिस दा नंगा भुखा होवे तिस दा नबर नफर कित्थों रज खाए। जे साहिब कह घर वत होवे सो नफरै हथ आवे अणहुंदी कित्थों पाए। हुण जे मालक दे घर विच बैठा नौकर है ते मालक दी अपनी तजोरी मूधी पई है अपने भांडे उहदे मूधे पए ने अपने उहदे घर विच भुख नचदी पई है ते की उस दे नौकर दा कदी रजवा प्रसादा कदी उहदी तृप्ति हो जाएगी। कहिंदे ने जिहड़ी साहिब दे घर विच चीज होवे उह नौकर नूं मिलदी है ते जिहदे अपने घर ही कोई नहीं उहने किसे दी झोली विच की पा देना। इहदा भाव इह वे कि जिहदा अपना अंदर शांत नहीं जिहदे अपने कोल परमेश्वर दी दात नहीं जिहड़ा आप अंदरों कमाई करके पुगिया नहीं ते जे कोई उहदा चेला बन के कहे लो जी मैनूं इहदे कोलों कुछ दात मिल जाएगी। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने नहीं जिहड़ा आप भुखा उह तैनूं कित्थों तृप्त करेगा। दूसरी उदाहरण मेरे सच्चे पातशाह जी ने अमृत बाणी भी दित्ती कि जिस बंदे दे अपने अंदर टिका नहीं वह जितनियां मर्जी टकरा मारी जाए अन्ने बंदे ते आस रख के कदी मंजिल नहीं मिलती। सतगुरु जी दे अमृत बचन हुंदे ने कि अंधा आगू जेत ही है क्यों पादर जाने। इहदा अर्थ जिहदे कोल आत्मक नेत्र नहीं जिहदे कोल अंदर दे चक्षु नहीं हुण वह आप तां तुरदा पिया खनेरे विच आप उहनूं इक कदम रस्ता नहीं दिसदा ते पिछे लगण वालियां नूं कह मैं तुहाडा पार उतारा करा देंगा। साहिब किरपालू जी कहिंदे ने नहीं अन्ना आगू जेत ही है क्यों पादर जाना अंधा आगू जेत ही है क्यों पादर जाना आप मुसै मत खोचिए क्यों राह पछाणे। आप मुसै असल विच ओ बंदा आप पंजां वकारां विच ठगिया गया लुटिया गया है ते खोची मत वाला लोकां नूं राह दसण लग पए। इह कदी हो सकदा वी जिहनूं आप राह नहीं दिसदा ओ लोकां नूं मार्ग प्रदान करदा। साहिब सच्चे पातशाह जी ने तीसरा बचन कहे कि कई बार असीं कहिंदे आ लो जी शरदा चाहीदी है। मैं एक बेनती है जरूर करनी चाहना असीं कहिंदे आ शरदा चाहीदी है शरदा बंदे दा पार उतारा कर दिंदी है शरदा जिथे मर्जी बन जाए। गुरु के सिखो एक गल ध्यान विच रखियो रब मेर करे शरदा भी होवे ते मुरशद भी पूरा होवे ते जिहदे अपने पल्ला अपना अंदर नहीं टिकिया उहदे ते शरदा रख के कहीए नहीं जी शरदा चाहीदी जिहड़ा मर्जी हो जाए पार उतारा हो जाएगा। हां शरदा तो बिना पार उतारा नहीं। सतगुरु ने बाणी विच एक बचन कहे कहन लगे गुरु जिन्हां का अंधुला हुण उहदे ते शरदा रख के की आपा करांगे। जिन्हूं अपना अंदर नहीं दिसदा मैं बड़े सोहणे एक बचन पढ़े सन गुरमुख दे उह कह रहा सी कि चेते रखो कि ब्लाइंड फेथ जिहड़ा है ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਆ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ
शब्द सन उहदे कि साइंस बहुत तरक्की कर गई है। ते स्वामी विवेकानंद कह रहे सन उदो इन्हां दा नाम नरेंद्र सी, रामकिशन परमहंस जी की संगत विच अजे आए सन। ये शब्द कह रहे सन कि ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिदा। ते किन्ने स्वामी रामकिशन परमहंस जी ने कहा सी कि बेटा ब्लाइंड फेथ चाहिदा है। वो कह रहे सी अंधविश्वास नहीं चाहिदा। वो कहन लगे पूरे उत्ते जेड़ा मुर्शिद पूरा है रहमता देंदा है उहदे ते ब्लाइंड फेथ ही चाहिदा है, अंध विश्वास चाहिदा पर अंधे उत्ते विश्वास नहीं चाहिदा। मेरी बेनती समझियो, हजूर ने कहा गुरु जिन्हां का अंधला सिख भी अंधले कर्म करें, जिन्हां दा गुरु आप अन्ना है ते प्यारे उहदे सिख जे कई जन शरदा चाहिदी शरदा चाहिदी है जी। ते साहब कृपालू जी कहिंदे इह कल्ली शरदा की कहेगी, जिहदे ते शरदा करी बैठा उहनूं तां अगला घर दिसदा ही नहीं पिया। हुण विश्वास ही है ना, जे कोई बंदा अग्ञानी बंदे दा लड़ पकड़ लै जिन्हों आप नहीं दिसदा, यह कही जाए नहीं जी लड़ पकड़ना चाहिए, कुट के लड़ पकड़ना चाहिए। वह अगला कहेगा भी लड़ते पकड़ना चाहिए, ये देखो लड़ पकड़ता कि सतगुरु ने बाणी विच एक प्रमाण दिता है। असी आम तौर पर खरण दियां अखां की बड़ी तुलना करने, किसी के नेत्र बड़े चंगे होण उहनूं कहा जाता है खरण वर्गे नेत्र ने, मृग नैनी शब्द वरते ने। गुरु साहब ने कहा यह गल चेते रखी, मृग दे नैणा वर्गा भुलेखा खाण वाला होर कोई नेत्र नहीं। मृग दे नैण जिहड़े ने इन्ने भुलेखे विच पांदे ने रहि रब दा नां। अखां ठीक ने मृग दियां बड़ियां सोहणियां लगदियां ने, मन नूं प्रभावित करदियां ने, ते जिहड़ियां इन्ना प्रभावित करदियां ने अक्सर मृग दी मौत दा कारण उह अखां ही बणदियां। नेत्र उहदे बड़े सोहणे ने, सामने दूर वह गर्मी विच रेत चमकदी है ते मृग दियां अखां भरोसा करके कहिंदियां ने पानी आउंदा पे, नेत्र उहदे बड़े चंगे ने। अज जणा खणा बंदा जदों किसे दे हुसन दी उपमा करदा है महिमा करदा है, इको गल कहिंदा है भी इहदे नेत्र हरन वर्गे, इह मृग नैणी है। इस्त्रियां लई शब्द वरते ते मैं कई बार हसना, मेरे बाबा जी ने इस गल नूं भी बरीकी च लैके कह दिता, जिन्हों तू मृग नैणी कह रहा है चेते रखी नेत्र मृग वर्गे हो सकते ने पर अकल उहदे अंदर एडी चंगी नहीं। हुण मृग दी अखां उहदी मौत दा उहदे पतन दा कारण ने। सतगुरु ने बाणी विच इक श्लोक कहा, कहन लगे सुन मुंदे हरनाखीए, हरनाखीए दा अखरी अर्थ खरण दियां अखां वाली है। खे मृग नैणी तेरे नेत्रां नूं देख के लोग उपमा पै करदे ने तेरी, पर इन्हां नेत्रां दा इन्हां इन्हां अखां दा इन्ना भरोसा ना करी, यकीन ना करी, जिन्ना अखां दा तू भरोसा करी बैठी है। देख मृग इन्ना अखां ते भरोसा करके, ये अखां कहिंदियां सन चमकदी रेत पाणी है, कहन लगे अखां ते भरोसा करके दौड़िया ते इन्ना मृग दे नैणा ने मृग दी मौत मृग दा पतन कर दिता। देख ये खरन दे नेत्रां वाली है, जे तू जिंदगी दा सौदा किसे नाल करन चलनी है ते यतन करी पहला वस्त नूं सियाणी, ते सियानण तो बाद उहदा सौदा करी, क्योंकि मिर्ग सियानण तो बिना भरोसा करके अपनी जिंदगी तबाह करा बैठा है। सुन मुंदे खरनाखीए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाण कै तां कीचै वापार, पहला उस वस्तु नूं सियाण लै पड़चोल लै फिर तू उहदे नाल सांझ पाई सौदा करन जाई। मैं जिहड़ी बेनती करना पिया गुरमुखो, पहला सिर्फ एक पक्ष रखना है, क्योंकि इस सलोक विच दो बचन ने कि अन्ने लोग खनेरे विच टकरा मारदे ने, रब दे प्यारे संत जना दी पहचान नहीं करदे, ते नाल एक बचन के है कहन लगे भगतां तो बिना भगवंत दी प्राप्ति नहीं, रब दे प्यारियां तो बिना भगवंत नहीं मिलना। मैं सिर्फ अजे एक अद्धी तुक दे अर्थ कर रहा कि लोग अन्ने ते भरोसा करके कहन भी शरदा चाहीदी। हुण मैं बेनती करा, देखो जिहड़े प्रमाण सन, गुरु जिन्हां का अंधला सिख भी अंधले कर्म करेण, जिहड़ा आप अन्ना है ते उहदे पिछे चलण वाला चंगे कर्म किवें कर लेगा जी। उह भाणे चलण अपने, हुण अपनी मन मर्जी उह करदे ने, नित झूठो झूठ बलेण, जिहदा गुरु आप अत दा झूठा है सिख दा जीवन किन्ना कु पवित्र हो सकदा है। हुण जे कहीए भी शरदा चाहीदी सी, मैं भाई साहब भाई गुरदास जी की रचना विचों
दोख प्रमाण अर्ज करने चाहन। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे तीन पुत्र ने, साहब जी दे तीन पुत्रां दे तीन सुभा ने, ते जे तुसी किते अमृत गुरबाणी दे आधारित इन्हां तीन सुभावां दी व्याख्या करो ते हैरान हो जाओगे। सब तो वड्डे बाबा पिरथिया जी ने, उन्हां तो छोटे बाबा महादेव जी ने, ते सब तो छोटे जेड़े ने मेरे धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी दे। हुण पिरथिए दा सुभा की है, महादेव दा सुभा की है, ते धन गुरु अर्जुन देव जी दा सुभा की है। जो पिरथिए वल झाती मारने उहदा इक्को सुभा है कि गुरु घर दा जिहड़ा प्रबंधक है ये मेरे हाथ भी चाहिए, ते जिस मर्जी तरीके नाल मैनू हासिल करना पै, भावें गुरु अर्जुन देव जी दीआं चिट्ठियां बदले, भावें वह मसंदा नूं पैसे दे, भावें वह कोझियां चालां चलदा रहे, इत्थों तक कि जे किते गुरु अर्जुन देव गुरु बन ते उन्हां दे पुत्तर नूं जहर दे के मरवाना पै, ते वह इन्नी नीच हरकत भी कर सकदा है, पर प्रबंध मेरे कोल चाहिए। मैं अर्ज करना तीन तरह के अज भी सुभा ने। हुण पिरथिया कहिंदा भी प्रबंध मेरा चाहिए, जो मर्जी मैनूं करना पै, भावें गुरु अर्जुन देव विरुद्ध साजिश रचनी पै, सुलगी नूं चाड़ के लिआउणा पै, भावें इन्हां उत्ते पुलिस नूं चाड़ के लिआउणा पै, इहदे पुत्तर नूं जहर देना पै, इहदे लंगर दी नाकाबंदी करनी पै, प्रबंध मेरे कोल चाहीदा है। दूजा बाबा महादेव, उह इन्ना कु प्राम है, उह जे कहिंदा प्रबंध दी लोड़ नहीं, ते सच जाणो उह संसार दी जिम्मेवारी भी निभांदे नहीं। इक्को गल कहिंदे ने, किसे दा भरा किसे दी भैण की, असी किसे दी शादी ते किसे दे काम विच दखल नहीं देना, वह बिल्कुल ही नरलेप जा हो गए। हुण तीजे ने धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी, वह गुरु जोत दे मालक भी ने, लोड़ पैंदी है संसार विच गृहस्थी दे फर्ज भी निभांदे ने, ते धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह समा आउंदा है ते इहो जिहा प्रबंध सुचज्जा करदे ने कि गुरु अर्जुन देव दे दित्ते हुए प्रबंध नूं अज भी सिख नमस्कार करदे। मैं बेनती जिहड़ी कर रहा, जिहड़े लोग कहिंदे ने कल्ली शरदा चाहीदी है जी, मैं कहना शरदा करिए कि हुण शरदा मिर्ग ने रेत ते बना ली, ते रेत ने उहदी प्यास बुझा दित्ती, मिर्ग की कमाई ते शक ते नहीं, किन्ने माइल्स किन्ने मील वह पैदल तौड़दा जांदा है, रेत ते वह अपने पैरां नूं रख के भजदा जांदा है, ते रेत ते अन्नी शरदा रख के मिर्ग दौड़िया, ते की रेत विचों पानी दे चश्मे फुट पए सन। कल्ली शरदा नहीं, शरदा बनाई किहदे उत्ते वे, किहदे ते भरोसा करी बैठे हां। हुण बाबा पिरथिया जी, वह भी गुरु अर्जुन देव जी दे सच्चे वड्डे भराता ने, गुरु रामदास दे वड्डे पुत्र ने बाबा पिरथिया जी, छोटे गुरु अर्जुन देव जी ने। कुछ लोगों ने बाबे पिरथिए ते अटल शरदा बनाई, उन्होंने भरोसा बना के बाबे पिरथिए लई शब्द गुरु भी वरते, पर भाई गुरदास जी तो कुर्बान जाइए, उन्होंने कृपा करके नाल ही दस दिता, जिन्हां ते तू शरदा बनाई बैठा है इन्हां विचों तेरी तृप्ति नहीं। उन्हां दीआं दो पौड़ियां कदी पढ़िओ, पहला बचन भाई गुरदास जी ने कीता है, कहन लगे जदों असीं आसमान विच तकने आ ना कई वारी बदल, वह बदल इंज लगदा है कि जिवें सोहना कोई मकान बनिया होवे, जिहनूं हर चंदौरी भी कहिंदे ने, हरिचंद राजे की नगरी भी कहा जांदा है। कई वारी जदों बाई एयर आपां जांदे आ ते झाती मार के देखिए ते बदल इंज प्रतीत हुंदा जिवें निक्के निक्के घर बणे ने, जिवें मनुख विच खलोते ने, रुख खलोते ने, ते जे कोई जहाज खड़ा करके यह कहे भी मैनू तुसी दरवाजा खोलो, आ जिहड़े बदलां दे घरे कोई बण घर बणे ने, मेरे कहण तों मुराद उह घर है नहीं, शकल घर वर्गी लगदी। एक दिन अर्ज कीती सी, लक्कड़ दा कीड़ा लक्कड़ नूं खांदा है, उह कई तरह दे अपने वल्लों उहना मतलब यह नहीं कि उह चित्रकारी करदा पिआ, लक्कड़ दा कीड़ा लक्कड़ खाई जा रिहा है, ते उहदे नाल कई वारी लक्कड़ दे विच सोहणे सोहणे फुल बूटियां बन जांदे ने। इहदा मतलब यह नहीं कि कीड़ा बड़ा वड्डा चित्रकार है, जे उह कारीगर है जिहड़ा जी इस कढ़ाई दे काम नूं लक्कड़ ते करदा पिआ, हकीकत विच उहदा काम ते लक्कड़ खाणा है। यह रब की मर्जी कि सोहणी जी कितें फुल्लां दी बेल बन गई। हुण कहिंदे ने जेकर कोई उस बदल दे बने कोई नगर ते उस बदलां दी बनी कोई निक्की जे घरां ते यकीन करके कहे जी मैनू इत्थे छड्ड जाओ मैं रह जाणा है,
कहन लगे बाहर निकले डिग के मौत हो जाएगी, जो कुछ दिसदा है वह हकीकत विच नहीं। हुण बदलां दे घर उत्ते शरदा बना के असीं अपने घर नूं ढा दईए, कोई सियाणप थोड़ा है। मैं बेनती कर रहा कि शरदा कली नहीं, शरदा आपां बनाई किधे ते बैठे हां, अपने कुली नूं ढा के बदलां दे घर च रहना है। कदी भी बंदा वह भरोसा करे ना बदलां ते, क्योंकि घर भुलेखा पाउंदा घर खाए नहीं। भाई साहब ने दूजा प्रमाण दिता है जिहड़ा आपां पहलां दे चुके हां कि मिर्ग पानी का भरोसा करता रेत उत्ते, ते रेत ओदे लई पानी कदी नहीं बनती, पर मिर्ग की शरदा विच ते फर्क नहीं, ओदी शरदा ते अटुट। हुण एक बंदा जे रुख ते शरदा रख के बैठा है कि मैं जे चढ़दे पासे इहदी छां है, सारा दिन मैं इहदी छां नूं मानना है, ओदी छां ते भरोसा शरदा रख के तू किन्ना कु चिर बैठा रहेगा, तेरे देखदिया देखदिया छां ने दूजे पासे चली जाना है। एक बंदा रात नूं सुता है, सुपने ते भरोसा करके कहिंदा है कि मैं यकीन कीता है सुपने ते, इह सुपना मेरा जिहड़ा साकार हो जाणा है। सुपने ते शरदा रख के किन्ना कु भरोसा करेगा, इहना साकार नहीं होणा। भाई साहब ने कहा प्यारिया कि जिवें हरी चंद दी नगरी ते कोई भरोसा करके अपना घर ढा दे, ते चेते रखो उहनूं हरी चंद दी नगरी नसीब नहीं हुंदी। जेकर कोई बंदा घर रात दे सुपने ते शरदा बना के बह जाए, काम करे ना, सुपना आया भी राती मैनूं करोड़ रुपया लभ गए, ते सवेरे अपनी दुकान दे शटर बंद करके कहे जाओ तुहाडी छुट्टी, आपां नूं सुपने विच करोड़ लभ गया, कदी उह सुपने दी शरदा ते करोड़ मिल जाणा। जेकर कोई इंसान यह भरोसा करी बैठा, तो भाई साहब ने कहा इसे तरह मीणे ते शरदा बनाण वाले हो, यह खरी चंद की नगरी की तरह कच्चा गुरु है, पर टिकाणा कोई नहीं जे लभना। यह रेत की चमक की तरह भुलेखे पाता है, पर तुहाडे अंदर की प्यास इन्हें नहीं बुझाणी। तीसरा बचन किया, यह सुपने भी तुहानू बादशाह बनाता है, पर हकीकत विच इन्हें कौडी भी तुहानू नहीं देनी। चेते रखो रुख की छां की तरह कुछ समा तुहाडे ते खलोएगा, पर इन्हें सदा नहीं जे टिकना। ते कहन लगे जिहड़ा बंदा मीणिया ते भरोसा करदा है ना, सच जाणो अखीर ते उहदे परले पछतावा पैंदा, उहनूं आत्मक जीवन नसीब नहीं हुंदा। साहिब जी ने बचन कह कहन लगे कि खर चंदौरी देख के करदे परवासा, गुरु जिन्हां का अंधला, कि उहदे ते यकीन करके राहत मिलेगी। हर चंदौरी देख के करदे परवासा, थल विच तपण पठियां क्यों लह प्यासा, सुपना राज कमाईए कर भोग बिलासा, छाया बिरख ना रह थिर पुजै क्यों आसा, बाजी गर दी खेड ज्यों सब कूड़ तमाशा, ते जे तू अन्या ते भरोसा कर लिया, रणे रले जो संगत मीणिया उठ चले निराशा। जिहड़ा मीणे ते भरोसा करदा उहदे पले निराशता पैंदी है, रूहानियत जीवन नहीं। हां कुछ समय लई बोलबाला जरूर हुंदा है, देखो कूड़े बंदे दी भी चार दिन चल जांदी है। सतगुरु ने बाणी विच प्रमाण दिते ने, चार क दिन कई वारी बंदा भुलेखा पा लैंदा, पर वह भुलेखा सदा लई नहीं रहिंदा हुंदा। भाई गुरदास ने दूजा प्रमाण दिता है, कहिंदे ललारी कपड़े रंगण वाले ने कपड़े रंगण लई मट विच रंग घोलिया सी, किते अचनचेत जंगल विचों गिदड़ आया। मैं सिर्फ बेनती कर रहा, अन्ने ते भरोसा करके पार उतारा नहीं, शरदा चाहिए, ब्लाइंड फेथ चाहिए, पर करिए उहदे ते जिहड़ा सच्चा होवे। हुण साहिब किरपालू जी दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने कि ललारी ने मट दे विच रंग घोलिया, गिदड़ किते जंगल विचों निकल आया ते ललारी दे मट विच डिगा, ते जदों डिगा ते उहदे सारी जिहड़ी उपर वाली खल सी उहदे वाल सन, उपर वाली चमड़ी नीली हो गई, पानी भी झाती मारी, ते अंदर दा भरम पाल बैठा, मैं तां नीलम शेर बन गया, मैं तां नीलम शेर हाँ, जंगल भी चला गया जी। भाई साहब कहिंदे ने उहने सारे जीव कट्ठे कीते, शेरनी नूं भी कह दिता कि हुण मैं नीलम शेर हाँ। उहने सारियां उत्ते अपनी हकूमत अपना बोलबाला कायम कर लिया। हुण कुछ कु दिन ते उह चुप रहा, भी चुप करके हुकूमत करी जाए, मिर्ग अगे खलोते। भाई साहब एक उदाहरण दे रहे, मिर्ग अगे खलोते हाथ जोड़ के, जा उन्हां दे शब्द सन निम्रता विच मिर्ग भी आ गए। उत्थे जितने जंगल दे जीव ने कि जिवें बादशाह अगे कोई हाथ जोड़ के खलोंदा, जीव इसे तरह समर्पित हो गए। उन्हें दो दिन चंगी हुकूमत की, चमदियां चलाईयां जिन्हों आपां कहिंदे, उन्हें अपनी मर्जी की,
ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਿੱਦੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮਿਰਗ ਸਨ, ਖਰਗੋਸ਼ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਸਨ ਉਹ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਨੀਲਮ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਗਿੱਦੜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕੂਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖਸਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗਿੱਦੜ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀਲਮ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰਪੰਚ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹ ਨੀਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਲਾਰੀ ਦੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨੀਲਮ ਬਣਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਲਮ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨੇ। ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਬਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਫੀਮ ਚਰਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿੱਦੜ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਲਾਰੀ ਦੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿੱਦੜ ਰੱਤਾ, ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਕੇ ਪਾਖੰਡ ਕਮੱਤਾ, ਦਰਸ਼ੇ ਵੈ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਹੋਏ ਬਏ ਅਵਤਾ, ਕਰੇ ਹਕੂਮਤ ਅਗਲੀ ਬੋਲੇ ਮਦ ਮਤਾ, ਬੋਲਣ ਪਾਜ ਉਗਾੜਿਆ ਜਿਉਂ ਮੂਲੀ ਪੱਤਾ, ਤਿਉਂ ਦਰਗੈ ਮੀਣਾ ਮਾਰੀਏ ਕਰ ਕੂੜ ਕਪਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਰਥੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਮੀਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਰਥੀਏ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਣ ਦੀ ਮੱਛੀ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮੱਛੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੱਡੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ? ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਫੁੱਲ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਰੁਪਈਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੀੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜਾ ਤੁਰਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਵੇਕਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਛਿਪ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਨਸਪੇ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਰਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ।
हुण जे साडी ए साडे वेखण दी परख है भी इस महापुरुष दे पिछे बड़ी संगत है जी, इहदे पिछे बड़ी भीड़ है जी। मेरे सच्चे पातशाह जी ने बाणी विच इक बचन कहा, मैं वह दोनों प्रमाण सामने रख के फिर अगे तुरना चाहना कि असी रूहानियत वाले पासे तुरदे हुए देखिए भी साडे अंदर नूं किन्ना कोई टिका दे सकदा है, सानू प्यारे दे चरणां विच किन्ना कोई जोड़ सकदा है। बड़े सोहने प्रमाण साहब ने दिते ने, पहला प्रमाण तुसी कई वारी पढ़दे हो, रोज बाणी पढ़दे हो, ते गुरु नानक साहब जी दी किरपालू दाता जी दी सतवीं पौड़ी दा पाठ करियो जपजी साहब दी, उह सतवीं पौड़ी उहदे विच सतगुरु ने उस बंदे दा जिक्र कीता है जिथे जिदे पिछे पूरी दी पूरी दुनिया तुरदी है, ते जिथे भी जांदा है लोक उहदे नाम दी चर्चा करदे ने। उहनूं साहिब सच्चे पातशाह ने कहा जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणिए नाल चलै सब कोए, चंगा नाउ रखाए कै। हुण चंगा नाउ रखाए कै जिहदा कोई भी बंदा बदनामी करन वाला ना होवे, सारी दुनिया कहे भी बड़ा चंगा बड़ा चंगा, इहदे वर्गा चंगा ही कोई नहीं। चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले, उहदा यस भी होवे। पर सतगुरु ने अगला बचन पता है की कहा है, क्योंकि असीं कई वारी इह कह दिंदे आ कि फलाना बंदा जिहड़ा है उहदे भोग ते इन्ना वड्डा इकट्ठ इस चीज दे साबित पिया करदा है कि इस बंदे नूं रब दे घर भी थां मिल गई। क्योंकि साडी तुलना इह वे ना भी जिहदे पिछे चोखे लोक हुण जे कुर्सी मिल जाए ते हो सकदा रब दे घर विच भी कुर्सी पई होवे, तेरियां वोटां तेरे भोग ते बड़े लोक आए आ इस करके मैं तेनूं थां दे दित्ती। बाबे नानक ने देखो ते बल गल बड़ी स्पष्ट कीती, कहन लगे जस कीरत जग ले, इहदा मतलब इह नहीं हो प्रवान हो गया प्यारे हो, जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछै के इहदे इन्ने लोक पिछे तुरदे सन उत्थे की होया, कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, उत्थे कीड़ियां विचों नीवा कीड़ा थापिया जांदा है, इहदे सिर ते दोष मड़िया जांदा है। इहदा मतलब कि बाणी पढ़न वाले सिख समझण कि लोकां दी भीड़ दा मतलब इह नहीं कि रब दे घर प्रवान हो गया। मैं उस तो अगली दूसरी उदाहरण देनी चाहना, यह भीड़ तो एक राजे दे पिछे वे, एक भीड़ हुंदी है संतां महापुरशां ते गुरुआं पिछे। मैं इस करके अर्ज कीती भी असी इस गल नूं क्यों नहीं शब्द की रोशनी विच पड़चोलदे कि भीड़ दा इकट्ठा हो जाना केवल धर्म नहीं हुंदा। तुसी सियाणे हो, गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह 1675 नूं शहीद हुंदे पए ने 11 नवंबर नूं, कि दिल्ली दे विच किन्ने कु बंदे सन जिहड़े गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे नाल खलोण नूं तैयार सन, किन्ने कु सन जिहड़े गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे पिछे चलदे पए सन। सारी दिल्ली दे विच हजारां लोक सन जिहड़े चाननी चौंक विच गुरु तेग बहादुर जी नूं देखण आए सन, हजारां बंदे देखण आए। मेरी बेनती वल तुसीं तवज्जो दिओ अज, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी नूं पिंजरे विच भी देखिया, उन्होंने इशनान करदिआं भी देखिया, ते उदन असीं कह देंगे भी गुरु तेग बहादुर नूं गुरु नहीं रह गए, क्योंकि सारी दिल्ली विच इन्हां दे तीन क साथी रह गए ने, भाई अड्डा भाई जैता ते भाई लखी शाह वड़जारा। इन्नी वड्डी दिल्ली ते गुरु अर्जुन देव दे सामने खलोण वाले तीन ते उन्हां दे पिछे सामण वाले भी तीन, ते की असीं इह मन्नण तों इक इनकार कर देंगे जी गुरु तेग बहादुर पिछे लोक कोई नहीं सन, गुरु नहीं सन। नहीं, चेते रखियो भीड़ का मतलब यह नहीं कि बंदा बहुत पुगिया होया है, जिथे मर्जी भीड़ इकट्ठी कर ली जाए। साहब सच्चे पातशाह किरपालू ने अमृत बाणी विच कृपा की, कह लगे पूज लगै पीर आखिए। हुण इहदा संबंध रूहानियत नाल है कि किसे बंदे नूं लोक पीर भी कह दन, संत भी कह दन, ब्रह्म ज्ञानी भी कह दन, ते मैं कहना जिन्ने मर्जी तुखल्लस उहदे लई वरती जाण, 1008 कह दिन, 1,08 कह दिन, गुरु के सिखो ओदे सामने लोकां दी भीड़ कठी होवे निकलदा होवे, लोक ओदे चरणां विच मत्थे टेकन, ओदे सामने सोने दे रुपये दे चांदी दे ढेर लगे होण। मेरे सच्चे पातशाह कहिंदे ने कि पूजा लोक करनगे, पिटावां तेनू देणगे, बस्तर तेनू देणगे, प्रशादे तेनू छकाणगे,
पर एक गल चेते रखी जे रब दी दरगाह च प्रवान नहीं होया ते रब दी गल करन तो बाद भी तेरे पले खुआरी पाएगी। हुण इह बचन असीं पढ़ने आ पूज लगा पीर आखिया सब मिला संसार नौ सदाए अपना होवे सिद्ध शुमार प्यारे जा पत लेख है ना पवे सभा पूज खुआर जे तेरी पत साई दे घर विच तेरे कर्म लेखे नहीं पैंदे पे ते तेरी सारी कीती पूजा निफल चली जाएगी। मैं जिहड़ा प्रमाण अर्ज कर लगा थोड़ी जी तवज्जो दिया जे गुरमुखो जदों एकाग्रता विच किसे ने आउणा है ते रब दा एक सुभा है कि जिन्हों नाम देंदा है ना पता नहीं दात्या तू की करना तेरे नाम च बरकत ऐसी है नाम देने तो बाद उदी जय जयकार करान लग पे ने। कई बारी वो जय जयकार माया दा रूप धारण कर जांदी ते मैं अक्सर बेनती करना हुण हाथ जोड़ के गुरमुखो अपना धर्म कमाओ जीवन कमाओ जे कोई कमांदा पे उहनूं डिगण दा यतन ना करो। डिगण दा यतन हुंदा है ना भज के उहदे पैरां नूं पई जाणा चरणां नूं हथ लवाने बड़े सौखे जे गुरमुखो सच जाणो कि चरणां नूं हथ लवाण तो बाद एडी वड्डी खौमे प्रबल हुंदी है सारी जिंदगी भुख बन जांदी है लोक मेरे पैरां नूं हथ लाण ते जिद्दन कोई ना लाए उदन फिर अंदर तड़फदा है भी इस बंदे ने मैनूं चौके निगाह सलाम कीते इस बंदे ने मेरे पैरां नूं हथ क्यों नहीं लाया। फिर देखो जे असी परमार्थ कमाणा है ते मैं अक्सर बेनती करना हुंना कि असी जदों बंदे नूं पजाने आ चंगा जां तां प्रशादे शकाशका उहनूं मार दिंदे आ ते जां बुला बुला के मार दिंदे आ। देखो परमात्मा ने सब नूं रिजक दित्ता है जे तुसीं सेवा करनी है गुरु के लंगर सेवा कर जाओ सेवा करनी है किसी लोड़वंद नूं प्रशाद पानी छकाओ। हुण धक्के नाल एक बंदे नूं असीं रिझार जा के मारी जाइए उहनूं जिन्हूं 15 परौंठे सवेरे खवा देने उहने रब की भगती की करनी उहने किहड़े पासे जाणा है। मैं इस करके बेनती करना हुंना भी जिंदगी भगत दी इस करके नहीं उहदे पड़ोले नूं रोटियां नाल भरी जाओ उह रब की बंदगी करदा उहनूं करन दिओ जे किते दो घड़ियां बैठ के गुरु चेते आवे ते समझो कुछ खट के चले गए। मैं जिहड़ी बेनती करना तवज्जो दिया जे हुण साहिब ने कहा भी जिहड़ा बंदा आप अन्ना ते मार की हो जाए कोई पता नहीं किहड़ी थां ते डिग पैणा है। बाबे सदने ने एवें नहीं सी कहा कि दाता जी अवसर लज्जा राख लिओ सदना जंतोरा मेहर करी तू जिवें किवें मैनू बचा लई कोई पता नहीं मैं किहड़ी थां ते जा के डिग पैणा। साहिब सच्चे पातशाह दे प्यारे सिख भाई गुरदास ने एक कबित कहा है रूहानियत दी मंजिल रब मेहर करे सानू समझ पै जाए। वह कहिंदे ने देखो हर बंदा रब दी गल करदा है पर कहिंदे ने हर बंदे दा अवस्था अंदर दी इको जी नहीं। उन्होंने कुछ प्रमाण दिते ने ते मेरा ख्याल है वह प्रमाण साढ़े अंदर दी तसली कराणगे कि अधूरे दा काम की है ते पूरे दा काम की है। जे कोई कहे भी देखो आपां गुरु पूरे दे चरणां भी जुड़िए ते भाई गुरदास ने उत्थे कहा कहन लगे अधूरे कोल गए कोई भी लोग कहते हैं कोई नहीं जे तो पूरा ही है। भाई साहब कहते हैं अंब का रुख एक टाणी नूं दो फल लगे ने एक कच्ची अंबी ते एक अंब जिहड़ा बिल्कुल पक्का है। हुण की इहनां दोनां दे रस विच अंतर नहीं लगे इको टाणी नूं लगे इको फल नूं ने एक रुख नूं लगे ने। हुण एक बंदा कच्ची अंब दी अंबी नूं तोड़ के उस अंबी नूं तोड़ के मूंह विच पांदा है ते कदी उहने कहा वाह वाह स्वाद आ गया मूंह विच पाण दी देर है सच जाणो उह इको दम थुकण तक जाएगा कहिंदा नहीं इह कच्ची इह कौड़ा है इहदे विच स्वाद नहीं। पर कहिण लगे देखो टाणी दूजी नूं उसे रुख दी टाणी नूं पक्किया होया फल लगा है उहनूं चूसण तों बाद कहिंदा वाह स्वाद आ गया रब ने इहदे विच अमृत भरिया होया है ते सच जाणो अंब नूं अमृत फल भी कहा जांदा है। हुण देखो इको टाणी नाल दोनों ने एक खटास नाल कड़त्तन नाल भरिया है दूजा मिठास ते रस नाल भरिया है। हकीकत ते वे रब दी गल सारे करदे ने एक दे कोल बैठिया अमृत वर्गा स्वाद है दूजा रब दी गल ते करदा है पर अंदरों कुड़त्तन नाल ही भरिया होया। कई जंग भी जुड़े ते दोनों ने टाणी ते दोनों लगे ने पर तसीर विच जमीन समान दा अंतर है। जिहड़ा अधूरा रोका वह भी दिंदा है भी रब नाल जुड़ो परमात्मा नाल जुड़ो ध्यान विच बैठो पर सच्चे पातशाह दे प्यारे सिख कहिंदे ने कच्ची अंबी भी टाणी नाल लगी है ते अंब भी टाणी नाल लगा है
तू अमृत फल पक्के वाले पासे जाना चाहना के कच्चे वाले पासे जाना चाहना, लगे दोनों टाणी नाल। भाई साहब ने दूजा प्रमाण दिता है, कह लगे खूह का भी पानी है ते चेते रखो बदलों का भी पानी है। हुण खूह का पानी जे कोई ए कही जबी ते सब कुछ एवे, एदे विच कोई शक नहीं भी खूह दे पानी कोल भी समर्था है, पर जे मीह ना ना पए ते खूह का पानी भी सुक जाता है। कह लगे अधूरा है खूह दे पानी की तरह कुछ कु खेतां तक सीमित है, पर मेघ की बरखा जिहड़ी है वह टिब्बियां उत्ते भी तपश मिटा के हरियावल पैदा कर देंदी है। हुण एक बाप है, पिता जिहनूं असीं कहिंदे आ बापू, उहदा शरीर पंजां तत्तां दा बणिआ है ते गवांडी भी साडे कोल है। जे हुण सके बाप नूं छड के इह कहीए जी गवांडी दे घर विच बड़ा सुख है, चेते रखो जेड़ा स्वाद जेड़ा आनंद प्यो ने प्यार दे के दे देना वह कदी गवांडी कोलों नहीं जे मिलदा हुंदा। मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहना, सूरज की रोशनी भी खै ते दीवे की रोशनी भी खै, पर दीवे की दी रोशनी कदी सूरज की रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकेगी। ते सच जाणू जेड़ा प्यार पूरे मुर्शद की झोली विच बैठ के मिलना वह कदी अधूरा ते कच्चा नहीं जे दे सकता। भाई साहब ने शब्द कहने आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार ना परोसी पै पाई है, सागर की निद कत पाइयत पोखर सह। कह लगे प्यारिया के देख के सागर जेड़ा ओदा रस ओदा आनंद कदी भी छपड़ा विचों नहीं आना। आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार ना परोसी पे पाई है, सागर की निद कत पाई है पोखर से। दिन कर सर जोत दीप ना पुजाई है, इंद्र बरखा समान ना पूज कूप जल, चंदन सुबासना पास पलास महकाई है, श्री गुरु दयाल की दया ना आन देव, जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लो ताई है, पूरे मुर्शद वाली कृपा किस होर थां तो नहीं मिलनी। जिहड़ी दया उहदे कोल, जिहड़ी कृपा उहदे कोल, हुण पूरे गुरु की रहमत की है। साहिब सच्चे पातशाह ने बाणी विच कह कहन लगे कि नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मुहतार है। पूरे गुरु का सुभाग की है। कहन लगे अगन सागर बुढ़त संसारा, पूरा गुरु की करदा नानक बां पकर सतगुर निस्तारा। जदों अमृत बाणी असीं पढ़ने हां, साहिब सच्चे पातशाह ने कहा कहन लगे प्यारियो कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, ऐसा गुर वडभागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रह हिरदे गुर चरण प्यारे। साहिब सच्चे पातशाह जी ने समरथ गुरु की गल करदे हां, सुखमनी साहिब की बाणी विच कुछ प्रमाण दिते ने। कहिंदे ने पूरा गुरु रहमतां किवें करदा है, कहिंदे ने उहदे दर्शन विच भी रहमत वरदी है, उहदे बचन सुन के भी रहमत वरदी है, उहनूं स्पर्श करके भी रहमत वरदी है, ते सच जाणो कि उहनूं कन्नां नाल सुणदे नाल भी रहमत वरदी है। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरणगत निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे, सुनकर बचन करन आगाने, सुनकर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। ओ जिन्ना जिहड़ा एक वारी तके ते जिंदगी विच इहो जिही बदल लै आवे, जिंदगी विच इहो जिहा पलटा लै आवे कि बंदे दा अंदर एक खिण विच प्यारे दे चरणां विच जुड़ सके। अज भगत कबीर जी ने अपने इस अमृत बचन विच यही कृपा की। पहला बचन कीता है ढूंढत डोलहें अंध गत। हुण दो शब्द ने ढूंढत दा अर्थ है ढूंढदे ने खोजदे ने, पर नाल बचन कीता है डोलहें, डको डोले खांदे पए ने। डोलहें दा अर्थ हुंदा टकरा मारनी है, ढूंढण तुरे ने। ढूंढत डोलहें अंध गत, अंधे दी तरह इन्हां दी अवस्था अन्ने दी तरह है, जिन्हों दिसदा कुछ नहीं, केवल हथां नाल चार चफेरे पड़चोली जांदा है। वह ढूंढदा ही पिया है ना, कदी किधर हथ मारदा कदी किधर हथ मारदा। कहन लगे अरचीनत नाही संत,
रब दे प्यारियां नूं तां कदी पहचाणिया नहीं, संत जना दी निंदिया करनी है, रब नूं पाण तुरे ने खनेरे विच टकरां पै मार दे ने, रब दे संत जना नूं ए पड़चोल दे नहीं, ए पहचान दे नहीं, अंधगत अन्ने दी तरह। साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे ने फिर हुंदा की है कि ए टकरां मारन तो बाद कई वारी निराश होके कहिंदे ने रब है ही कोई नहीं, क्योंकि अनेकां बंदे ऐसे ने जिहड़े रब दे मार्ग ते चलदे ने, सच जाणो कई वारी इन्नू कठोर हो जांदे ने, उहनां नूं लोकां ने ठगे छलिया इन्ना कुंदा रब नूं मन्नण तों इनकारी हो जांदे, बहुतात लोक उहनां दी उहनां लोकां दी। साहिब कहिंदे ने ढूंढदे पए ने खनेरे विच, हां ढूंढना कोई माड़ी गल नहीं, खोजना चंगी गल है, पर मैं खोजन केड़ी थां ते बैठा मैनूं इह तां पता होवे, हुण मदानी रड़कनी कोई माड़ी नहीं, दुध विच जम्मे खोए विच मदानी पाओ ते विचों तत निकलेगा, ते जे पानी विच मदानी पा के कहीए मैं लभण तुरा मेरी घालना बड़ी है जी मेरी कमाई बड़ी करी जा, सदियां भर तू दुध नूं पानी नूं रिड़की जाए विचों मक्खन नहीं निकलना, मेरी बेनती नूं समझियो, ढूंढना कोई माड़ी गल नहीं। एक बंदा पानी विच मदानी पा के तीन घंटे पानी रिड़कदा पिया है ते पानी दा पानी है, ते दूजा पौड़ा घंटा अद्धा घंटा कि मदानी दुध विच पा के रिड़कदा है ते मक्खन कढ़ के लै आउंदा, जे पानी आला कहि जी घालना ते मेरी बड़ी सी, वह कहन लगे रिड़कदा ते तू भी प्यासा है, पर जेड़ी थां ते रिड़कना पिया उत्थों तत नहीं मिलदा हुंदा। मेरी बेनती तुसीं समझ गए होगे कि खोजना माड़ी गल नहीं, पर जेड़ी दां तो खोजन तले आ पानी खोज के की लभना है। साहब सच्चे पातशाह जी ने पानी विच बचन भी कहे ने, रहबां दे जीवन विच बड़ी सोहनी घटना सी कि शाम दा वेला सी, सूरज डुबदा पिया सी, छिपदा पिया सी, ते रहबां घर तो बाहर निकली ते गली विच ना हाथ मारी जाए, मुसलमान फकीर तुसीं कई वारी इहदा सी जिक्र कीता है अपनी कथा विच, उह इक पुग्गी कोई औरत ते उहदे कोल कुछ को नौजवान लंघे, अदब बड़ा उहदा सी, कहन लगे अम्मा कुछ गुम हो गया जिहड़ा जमीन ते खत पई मारनी है। कहन लगी हां गुम हो गया, लभ नहीं पई आ। पुछया की? कहन लगे सुई गवाच गई। हुण उह कहन लगे अम्मा तेरे ते बुढ़ेपा आ गया, हो सकदा है तेरी नजर ना काम करदी होवे, आसी लभने। उह भी हथ मारन लग पए, एक ने विचों क्या कहन लगा भी पुछो तां सही गवाची केड़ी थां ते वे, घटो घट यह तो पता हो कि थां ते गवाची, असीं उन्ने कु दायरे च हथ मारीए। पुछन लगे अम्मा, आवाज दित्ती दसो बेटा। कहन लगे गवाची केड़ी थां ते सुई? कहन लगी गवाची ते अंदर है। वह सारे हस पए। कहन लगे माई मां तू एडी सियाणी हो के सुई अंदर गवाची है ते लभदी बाहर पई है? कहन लगी अंदर हनेरा सी ते बाहर चानण सी, मैं क्या चलो बाहर ही लभ लव, अंदर हनेरा है बाहर चानण सी, मैं सोचिया बाहरों लभ लवान। ते एकदम कहन लगे नहीं अम्मा, जे अंदर गवाची उस हनेरे च दीवा बालन दा यतन करिए, बाहर दे चानण नाल नहीं सुईयां लभणियां, अंदर दीवा बालीए, जे अंदर गवाची है ते अंदरों लभेगी, नहीं ते लोग हस के कहणगे माई दा दिमाग ठीक नहीं। रहबां बुजुर्ग उठ खलोती, कहन लगी बेटा ये असल विच मेरी मूर्खता ही नहीं, रब वाले पासे तुरन वाले लोकी भी मूर्खता कुटी जांदे, साई अंदर बैठा है ते चानण बाहर है, ते बाहर दे चानण विचों साई अंदर वाले नूं लभण तुरे, सुई अंदर गवाची है ते मैं बाहर चानण विच लभणी है, ते तुसीं कहिंदे हो मां लोक हसणगे। कहन लगी प्यारा तां अंदर बैठा है, अंदर दीवा बालदा कोई नहीं, लोकी बाहर लभण तुर पैंदे ने, शायद बाहर दे चानण विच रब बैठा है, बाहर ही लभन तुरे। ते बाबे गुरु तेग बहादुर जी ने कहा काहे रे बन खोजन जाई, ढूंढत डोले। साहब कहिंदे ने लभ देने ते भटकदे पए ने, डको डोले खांदे पए। हजूर ने कहा भी चानण बाहर देख के असीं लभण तुरने आ, शायद तीर्थां ते भीड़े लोकी इत्थे मिल जाणगे, शायद फलानी थां ते बड़ा इकट्ठ है उत्थे मिल जाणगे। साहब ने कहा लोग बाहर जाते पे सन। कह लगे काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पोप मद जो बास बसता है, मुकर माए जैसे शाही, तैसी हर बसे निरंतर घाटी खोजो भाई। लोग बाहर तुरे जाते सन, ते बाबे फरीद जी ने कहा कह लगे जंगल जंगल क्या भव है, वन कंडा मोड़े वसी रब गया लिया, जंगल क्या ढूंढे,
जे किते कोई बाहर खोजन तुरदा है ते कह लगे नहीं अंदर चीज गवाची होवे ते बाहर नहीं लभी दी, जे अंदर खनेरा है ते दीवा बल के अंदरों लभन दा यतन करिए। लोग ढूंढदे ने ते कबीर साहब कहिंदे नाल डोलदे ने, अंदर नूं टिका नहीं डोली जांदे ने। ते जदों बंदा किसे रस्ते ते चले उहनूं हथ पले कुछ ना ना पए, इन्ना रुखा हो जांदा है, अक जांदा उहदा चित जिहड़ा उह टिका विच नहीं आउंदा। हुण जे आपां खोजन तुरना सारी विचार ते करी जांदे हां, मैं बेनती करा जे सिखी दे दायरे विच आउणा है ना, आपां एक दिन अर्ज कीती सी, यह नहीं बे असीं कहीए जी राम कहण वाला जिहड़ा डुब जाणा है, मुसलमान ने भी डुब जाणा है, ईसाई ने भी डुब जाणा है। मैं बेनती करा कि दरिया के घाट ते अनेकां बेड़ियां बैठ खलोतियां ने, पर जिहड़ी बेड़ी ते बैठ जाइए फिर सिदक ते भरोसा उहदे ते करना चाहीदा। बेड़ियां ते बड़ियां ने, हुण जे इस बेड़ी ते चढ़ना है ना, इस बेड़ी ते गुरु नानक साहब दे घर दी बेड़ी ते, ते धन गुरु नानक साहब दे घर दी बेड़ी कहिंदी है शब्द तेरा गुरु है ते संत जना दी संगत करी। हुण उस तों अगे जदों असीं कई वारी हुण अमृत दी गल ते आउंदे आ, उस शब्द मेरी बेनती नूं समझिओ कि आखिर गुरु दीख्या देन दे वास्ते सतगुरु ने पंजां दी चोण कीती है। ये कली शस्त्र धारण करन दी मर्यादा नहीं सी, शस्त्र तां साडे जीवन दा अंग है ही। जदों सतगुरु ने कृपा कीती पंजां नूं कहा तुसी गुरु की हजूरी विच गुरु रूप हो, क्योंकि जोत गुरु कोल है, जुगत मैं तुहानूं दित्ती है। मेरी बेनती फिर समझियो, जोत गुरु कोल है, जुगत तुहाडे कोल है, पंज केवल गुरु की हजूरी विच ही गुरु वाले वह फर्ज निभांदे ने। ते जे असीं उहनां बाहर बाहर निकल के भी रोह बढ़ाई जांदे आ जी, ये पंज गुरु रूप ने दे विच कोई शक नहीं, पर पंज गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किते भी चुरस्ते विच अमृत तैयार नहीं कर सकते। कदे तुसीं देखिए भी गुरु ग्रंथ साहिब कोई नहीं, जे असीं अमृत संचार उस तरीके कर ले, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया हजूरी ही उहनां नूं उच्चापन दिंदी है। जे गुरु नूं एक पासे कर दिता जाए तो खिमा करियो, पंज गुरु के सिंह तो हो सकते ने पर प्यारे तां ने जे गुरु की ताबिया विच ने, सतगुरु की हजूरी विच ने। हुण उहनां पंजां ने अमृत तैयार किया है। मैं बेनती करनी चाहना, सीधा जा मार्ग है, मर्यादा गुरु ने सानू दित्ती है, वह क्यों साडे अंदर अवेसलापन आ गया, लोग क्यों बाहर नूं भजदे ने, क्योंकि असी अमृत नूं केवल एक रसम बना दिता है। नाम दृढ़ कौन करांदा है जी, कदी देखो हां कुछ कु ऐसियां जथेबंदियां हैं जिन्हां नूं असीं तर्क तां खिंच कर दिंदे आ, वह टेक के नाम दृढ़ कराउंदे ने कि बंदे दे अंदर नाम चले, वह अमृत असी अमृत प्रचार करी जाने आ, पर अमृत संचार किते टावी टावी थां ते हुंदा है। हुण तुसीं कहोगे जी अमृत प्रचार ही है ना, भी साडे गुरुद्वारे अमृत संचार होया जी, 500 प्राणी गुरु वाले बन गए, कल पेपर च भी आ गया, दूजे दिन वह वाह 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 भी हो जी। हुण इस तो अगे की असी उहनां नूं जिस दिन अमृत छकाया उदू बाद उहनां दी सार लईए भी तुसीं किन्ना कु नाम जपदे पए हो। हुण एक बच्चा मां दे नाल आउंदा है स्कूल विच आ के दाखल हो गया, उहनूं टीचर ने रजिस्टर ते नाम ही लिख दिता, उहनूं रोल नंबर भी दे दिता, उहनूं इह भी कह दिता भी तूं फलाणी थां ते बैठना है, इन्ने बजे आ जाई। हुण जे एक बच्चा ना लिखा के परत के जिंदगी पर स्कूल वड़ी ना, ते कदी उसे उहदे घर साल बाद सर्टिफिकेट गया। पहले दिन मैं मन नूं आई तो 16 साल पहला अपने पिंड विच ना लिखाया जी, ते 16 साल बाद मेरे घर विच बीए एमए दा जिहड़ा सबजैक्ट मैं कीते ना, केवल ना ही लिखाया, एमए वाली डिग्री पीएचडी डिग्री वाली मेरे घर दिओ ते बंदा जाके रौला पाउण लग पिआ, तुसीं रजिस्टर देखो जी, मैं तां ना दाखल कराया सी। ओह कहण लगे कल्ले दाखले लैण नाल डिग्रियां नहीं मिलदियां, दाखला लैके तूं कमाई किन्नी कु कीती। मेरी बेनती नूं अशरधा ना समझियो, ना इहनूं नास्तिकता समझियो, इह साडा दुखांत है। अमृत छका दिंदे आ, लैणा ला दिंदे आ, गात्रे जरूर पाउंदे आ, गुरमुखो अमृत प्रचार थां थां ते हुंदा है, ते अमृत संचार किसे टावी थां ते हुंदा है। जिथे अमृत संचार हुंदा है सच जाणो उहनां दे अंदर अमृत चलना चाहीदा है, उहनां दे अंदर नाम चले। साहिब सच्चे पातशाह ने कहा सजना तू बाहर पटकी ना, बाहर ठेडे ना खाई,
वाहगुरु मेर करे पहली गल कि जिन्ना ने अमृत की दात देनी है उन्हां दे अपने अंदर अमृत चलदा होवे, अपने अंदर नाम चलदा होवे। कल्ला जे दो घड़ियां उस वेले आपां चोला पा के कोल खलो के कह दी हुण असीं अमृत संचार कर लगे हां, उदों तां अमृत संचार कीता ते बाकी सारे दिन वकार भी भोगे, मलीनता भी रखी। गुरु के सिखो फिर शकन वालिआं ते असर नहीं जे होणा, बाणी ते असर करदी इह च कोई शक नहीं। ते मैं एक दिन अर्ज कीती सी, एक सज्जन ने कहा सी, लो जी जे बाणी होवे अज क्यों नहीं असर हुंदा पिआ, जिहड़ा सज्जन ठग ते हो गया सी जी, जिहड़ा कौडे राक्षस ते हो गया सी जी। ते मैं उहनूं इक बेनती कीती सी वी सज्जना, तीर भावें जितने मर्जी तिखे पए होण, जे चलाण वाले दीआं बाहवां विच दम नहीं उत्थे तीर की करेगा। चलाण वालीआं बाहवां भी चाहीदीआं ने, शब्द तां सूई राग दा होई है, सज्जन सही नाल मैं चलदिआं नाल चलन, पर जिस सीने विचों निकलिआ सी उह सीना बाबे नानक वर्गा है वे। अज तुसीं देखो, मैं बेनती तुहानूं करां, कथा करने असीं, साडा विशा तुसीं पंज सत दिन मान लो मैं सफर विचों वां, कोई भी सज्जन है उहनूं एकाग्रता एकांत ना मिले उसे शब्द की व्याख्या वह करेगा तो उन्ना रस नहीं, तो उन्हें जे कि एकांत मिल जाए तो घंटा दो अपने अंदर का अभ्यास मिल जाए तो चेते रखो दूजे दिन उस शब्द की कथा कराओ तो कहोगे अज स्वाद बड़ा है। क्यों? शब्द तो कल भी उसी, अज रस क्यों आ गया? क्योंकि अज उसका रस तो आया क्योंकि वह पहला रस माण के आया। देखो जे असी अमृत की गल करने हाँ, करनी चाहिए, लुकाइए क्यों, थोक के गल करिए भी अमृत धारी होना सिख ली अत लाजमी है, पर रब मेर करे उस अमृत दे नाल तेरे अंदर अमृत संचार हो जाए, तेरे अंदर नाम चले, तू शब्द की कमाई करे। ते कई बार मैं सोचना मना कि इन्ने ने साल निकल गए ने, अपने अपने मन नूं पुछिए, दूजे ना पुछिए। आप कल सिंह साहब ने शायद परसों कहा भी सी कि साडा एक ए विशा बन गया भी निंदना, जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, आप नेड़े गिरवान मैं सिर नीवा कर देख, ते कदी सिर नीवा करके वेखिए भी इन्ने दिन हो गए ने मैनूं गुरुद्वारे जांदियां मेरी काम वाली बिरती किन्नी कु कटी है, कदी देखिए मैनूं इन्ने दिन हो गए ने गुरुद्वारे जांदियां किन्नी कु मैं मलीनता छड्डी है। गुरु के सिखो चले जाने हां, असीं बाहरों सफर बड़ा कर लिया पर अंदर उत्थी खलोता जिथों चले सां। एक दिन अर्ज की भाई गुरदास ने कहा, भाई साहब फरमाते ने कहते तेली का बल्द सारा दिन कोलू दे चार चुफेरे घूमता है, पर तेली का बल्द मत समझे मैं बड़ी दूर चला गया वा, जिदन अखा तो खोपा खुलना है, जदों शाम अठ घंटे तुरन तो बाद भी उत्थे बजा जिते सवेरे बजा होया सी। कि असी धर्म की दुनिया विच बाहर का सफर करी जाने पर अंदर तो साडा उत्थी खलोता है जिहड़ी पहली मलीनता सी। सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, समर्थ गुरु ने सानू शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहब की दात दिती, ते गुरमुखो इस शब्द का अभ्यास करोगे उस शब्द तक जा पहुंचोगे जिस शब्द ने करोड़ा ब्रह्मांड एक खिन भी सिरज दिते। इस शब्द ने सानू उस शब्द तक ले जाना है जिस शब्द नू बयान नहीं हो सकता, नहीं कोई बयान कर सकता। सच्चे पातशाह कृपा करदे ने, कह लगे लोग ढूंढदे ने ते फिर डोलदे ने क्योंकि हनेरे विच हथ मारी जा रहे हैं। जे गुरु साहब सच्चे पातशाह मेहर करन सिद्धांत मनन वाले होण ते सिद्धांत की कीमत पैंदी है, ते जदों कोई सिद्धांत नूं मनना बंद करदा है ना ते सिद्धांत जितना मर्जी कीमती होवे दी कीमत नहीं होनी पैंदी। सतगुरु ने बाणी विच कहा, कहन लगे ढूंढत खोजदे ने पर डोलें डोलदे पए ने, अंध गत अंधे दी तरह ढूंढदे पए ने। हुण जिस बंदे नूं पता नहीं दिसदा नहीं आंजी हथ मारी जा की हथ होना है, साहब कहन लगे अर चीनत नाहीं संत। चीनत दा अर्थ हुंदा चीनण दा अर्थ है पड़चोलना पहचानना, रब दे प्यारियां नूं पहचान दे दे, करनी वालियां नूं पहचान दे नहीं। अर चीनत नाहीं संत, उहनां दी पड़चोल नहीं पड़छाण नहीं। कहन लगे कह नामा, कबीर साहब कहिंदे ने नाम देव भी कहिंदे पै जे, हुण मैं इस तुक दे अर्थ बाणी विचों करने, कह नामे दे अर्थ की, कह नामा क्यों पाई है। कबीर जी कहिंदे ने कल्ला मेरी गल सुन के ना कही जे, भी कबीर कही जांदा नाम देव नूं पुछ, नाम देव कह रहे ने
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨ ਭਗਤੋਂ ਹਾੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਏ ਭਗਤੋਂ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ ਬਿਨ ਭਗਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਭਗਵੰਤ ਤਰੁੱਠ ਪੈਗਾ ਕਦੀ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਬੇ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਧੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾ ਸ਼ਰਤ ਬਧੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਮਾਧੋ ਮੋਸਿਓ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਨ ਜਨ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਖੇਲ ਪਰਿਓ ਹੈ ਤੋਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੜਾ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੇਲੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਭਗੀਰਥ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਧੋ ਕੀ ਨਾ ਹੋੜ ਮਾਧੋ ਮੋਸਿਓ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਜਨ ਜਨ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਖੇਲ ਪਰਿਓ ਹੈ ਤੋਸੋ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਸੇਵਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬੱਚੀ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਬਹੂ ਸੁਹਾਗਣ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਆ ਜੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਹੈ ਬਹੂ ਹੈ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਅਗਾਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਉਦਨ ਬਣਿਆ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ ਜਿਨ ਕੀਨੂੰ ਸੌਂਤ ਵਿਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵਰਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਉਪਜਿਆ ਜਿਨ ਕੀਨੋ ਸੌਂਤ ਵਿਦਾਤਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਤਿਤ ਪਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ
जे असी कुकर्म ना कर दे तू धर्मी किनू बनांदा। कहन लगे ठीक है जना खना तेन पतत पावन पतत पावन पतत पावन कही जांदा पर चेते रखी पावन तेरा शब्द ते पतत साडा है। असी पतत सां ते तू सानू पवित्र कीता। उन्हां दी इक तुक असी पढ़दे आ जो पै खमना पाप करंता। इहदा भाव इह ना समझो भी आपां कल नू पाप करने शुरू कर दिए। भाई साहब ने कथा च कह दिता सी नहीं, मेरे कहने तो मुराद है भगत जिहड़ा रब नाल लाड़ भरियां गल्लां करदा है। जो पै खमना पाप करंता है अनंता पतत पावन नाम कैसे खुंता। तेरी पहली तुक पढ़ियो कहन लगे मोही तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा। ए उदो गल कही जो क्या तेरे मेरे विच ते मेरे तेरे विच अंतर कोई नहीं। ते जदो अंतर ना रहे उदो फिर बंदा कहिंदा मैं पहला गल तेरे तो लुका के करदा हुण मैं तेनू कह दिया। तुसीं अज भी देखो जदो थोड़ी दूरी बनी होवे ते असीं कई गल्लां दब जांदे आ भी ना कहीए। ते जदो चौखी नेड़ता हो जाए ना फिर कहने भी मैं तेन एक गल कहनी चाहता सा मैं अज तेन कह लगा। पहला रविदास जी कह दिता मेरे मालिक जी के तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा कनक कटाल कटाक जल तरंग जैसा जो पै खमना पाप करंता आहे अनंता पतत पावन नाम कैसे उनता। मेरी बेनती वल तवजो दियो। नामदेव कह रहे ने भगवंत नू भगतां दी संगत तो बिना नहीं पाया जा सकता। ते उन्हां सवाल किया बदो की ना होड माधो मोसो। कहन लगे ठाकुर ते जन जन ते ठाकुर खेल परयो है तोशो। आपन दियो द्योरा आपन आप लगावे पूजा जल ते तरंग तरंग ते है जल कहन सुन को दूजा। कहन लगे मेरे ने शर्त ला तू भगत ते भगत तू है। कहन लगे उदाहरण उदाहरण दिती जल ते तरंग पानी तो लहरा ने लहरा तो पानी है कितो तक अपने आप नु वाह कर लेंगे। कहन सुन दूजा लगता है पर खैन इको ही। अगो देखो इस शब्द नु पढ़ियो तुसीं मलार राग दा शब्द। पहला शब्द हुंदा है बदो की ना होड़ ते अगले शब्द विच फिर रब बोलदा है। गुरमुखो तुसीं कदी तरतीब नाल पढ़ के देखो तां भगत जी ने कहा कह नामा। नामदेव कह रहे ने कि भगवंत त्रुटदा भगतां दी संगत करके। इत्थों ना कहा मेरे नाल शर्त ला ते रब ने कहा शर्त की लानी है मैं तैनूं हकीकत दसां। मेरा अंदर यही कि दास अनिन मेरो निज रूप। अनिन दा अर्थ हुंदा है जिन्हों एक तो बिना दूजे दी टेक नहीं। जेड़े मेरे दास मेरे ते पूर्ण भरोसा करी बैठे ने सच जानी मैं तेनों अंदर दा भेद दे देना वह मेरा अपना रूप ने जिहड़ा उन्हां नूं पाला है भगवंत नूं पा लैंदा है। दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमख अख चमकण जिन्ना किते उन्हां दा दर्शन मिल जाए। ताप त्रय मोचन आद ब्याद ते उपाद तिन्ने ताप सड़ जांदे ने जदों रब दी बंदगी वाले दी इक झलक मिल जाए। ते हुण रब मेहर करे असी इस शब्द दे एक एक तुक ते भरोसा करिए कोई होवे सही उहदा अनन रूप। दास अनन मेरो निज रूप मेरा अपना रूप ने दर्शन निमख ताप त्रय मोचन परसत मुक्त करत ग्रह कूप। तू पुछया भी मेरे नाल शर्त ला भी भगत तेरा ते तू भगत दा कहिंदे सच ही कि भगत थोड़ा जिहा उच्चा है। पुछया जी क्यों कहन लगे मेरी बांधी भगत छुड़ावे। पर इत्थे निम्रता परे बचन ने मेरी बांधी भगत छुड़ावे बांधे भगत ना छूटा मोह है एक समय मोह को गह बांधे तौफुन मोपे जवाब ना होए मैं गुण बांध सगल की जीवन। मैं सारे जीवां नू जिंदगी देना ते जे पुछे भी रब्बा तेरी जिंद किथे वे कहन लगे मेरी जीवन मेरे दास मेरी जिंदगी असल विच मेरे भगत ने। कबीर जी कहन लगे नामदेव नू पुछ लो कि रब दी जिंद भगतां विच ते भगवंत नू भगतां दी संगत तो बिना नहीं पाया जा सकदा। कह नामा क्यों पाई है बिन भगतों भगवंत। भगतां दी संगत तो बिना भगवंत नहीं रीझदा। ता ही सचे पातशाह जी ने बाणी विच कहा कह लगे ना तू आवै वस बहुत किणावणे किणावणे ना तू आवै वस वेद पढ़ावणे ना तू आवै वस तीर्थ नहाइए ना तू आवै वस धरती ताइए ना तू आवै वस कितै सियान पै ना तू आवै वस बहुता दान दे। पर प्यारिया तू भगतां सब को तेरा वस अगम अगोचरा तू भगतां कह वस। कह नामा क्यों पाई है बिन भगतों भगवंत। कह लगे सब को तेरा वस अगम अगोचरा तू भगतां कह वस भगतां तां तेरा। सह बाबा कबीर जी कह रहे ने कि अन्यां दी तरह लोग टक्करां मारी जांदे ने
पर रब दे संत जनां नूं कोई नहीं पहचानता, उन्हां दी निंदिया करदे ने। सब तो वड्डा कलयुग पता कदों वापरदा? गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी मुताबक कहन लगे, मीठे को कौड़ा कहे, जिहड़ा नाम मिठा है ना उहनूं कहिंदा छड्डो परां। पता नहीं की लोकी वाहिगुरु वाहिगुरु करी जांदे ने, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੜਵੇ ਕੋ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਮਿੱਠੇ ਕੋ ਕੌੜਾ ਕਹੇ, ਕੜਵੇ ਕੋ ਮਿੱਠਾ, ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਲਾ ਦੇ, ਕੁਦਮ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਕੱਲੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੱਦੂ ਕਰਨੇ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨੇ, ਉਦਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰ, ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖ ਹੈ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਵੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਨ ਖਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਕਹੁ ਬਕੁ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਦ ਬਖਤ ਹਮਚੂ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ, ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਤ ਜਨ ਤੁਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੈ ਮੇਰੇ ਹੀਰੈ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ, ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖ ਹੀ। ਰੱਬ ਮੇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੜਚੋਲ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਕਰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਮਾਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।